everyone present here. I'm very grateful for your august presence here to bless our picture. Lecture देने में मेरा कभी यकीन नहीं रहा है, इसलिए जो कुछ कहना था वो पर्दे पे कहा है और पर्दे पे देखिए और समझ जाइए कि क्या है. Can we have the lights off, please? सबसे ज्यादा मेंबर है पूरे देश भर में और मैं उन्हीं सभी 1,00,000 से ज़्यादा मेंबर्स की तरफ से आपका शुक्रिया. हमारी ज़िंदगी के रोज़ के मुद्दे आए हैं, जो तकलीफ़ें औरत सहती है, जो एक मुसलमान औरत सहती है कि जब वो एक शादी के रिश्ते में जाती है तो उसको ये पता नहीं होता है कि ये कब टूटेगा. एक तलवार उसके सर पे हमेशा लटकते रहती है कि ये कब मुझे 3 बार या तो SMS से या WhatsApp पर या फ़ोन पर. हमारी बहनियाँ बैठी हैं, पिछले महीने उसको तलाक हुआ है फ़ोन पर और उसको फ़ोन पर काजी के ज़रिए, काजी का फ़ोन आया ये कहकर कि आपके शौहर ने 4 लोगों के सामने तलाक दे दिया है, आपकी शादी टूट चुकी है, आप इज्जत में बैठ जाइए. एंड शी इज सैड, शी लॉस्ट हर चाइल्ड. तो ये हमारे सामने रोज़ आते हैं केसेस और हमारा सवाल ये है सरकार से, और क्योंकि सर आप भी हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टीज से जो पावर में है जो पावर में नहीं है, कि वो मुस्लिम औरतों के इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं. हिंदू कोड भी 1955 में बन गया, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ एक ज़माने में बन चुका है, पारसी समाज हमारे समाज में बहुत छोटे माइनॉरिटी में है, उनके लिए भी कानून बना है, लेकिन मुस्लिम समाज जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, वी आर मोर देन 15% ऑफ द पॉपुलेशन, जिसमें सारी चीज़ें भी हुई हों, ताकि शौहर को भी पता हो कि ये शादी अगर ख़त्म करनी है तो कैसी की ख़त्म हो, औरत को भी पता हो कि उसका अगर उसको अगर तोड़नी है तो वो भी तो तोड़ सकती है, तो कैसा क्या तरीका होगा. देयर इज़ नो लॉ. ऐसा कैसे होता है कि इतनी बड़ी माइनॉरिटी के लिए कानून ही नहीं है. और इसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स हुई है, उस पर मैं नहीं जाऊँगी, ये वो जगह भी नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सभी ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया है. मुसलमान औरतों के कंधे पर बंदूक रख कर सभी लोगों ने पॉलिटिक्स की है, आज भी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, हम बहुत खुश थे. उसके बाद लोकसभा में वो बिल 2 बार पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में उसको रोक दिया गया, ये कहकर के एक मुसलमान आदमी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए अगर वो इंसिस्ट करता है कि उसने तलाक दिया. क्यों सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? जब कोई आदमी मेंटेनेंस नहीं लेता है तो उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगता है. मेरे अजीज दोस्त, बहुत ही अच्छे मित्र, रंगमंच और फिल्मों के बड़े कलाकार नरेश सूरी साहब, सिंगर MMBMS, इनका नाम MMBMS है, जो हम बड़े शरीफ आदमी हैं. इस फिल्म के सबसे बदमाश कलाकार संजय साहब, ये फिल्म कैसी चलेगी और कब चलेगी और कहाँ चलेगी इनसे अच्छा कोई नहीं जानता है. आइए साहब ऊपर आइए. राजू भाई, वी कैन हैव अ पिक्चर टुगेदर. आगे बैठ जाओ सर. ये लुक अरे तस्वीर तो किस बार गुमशुदा की तलाश है. गाने इतने सुरीले बने हैं कि हमने तो वो सीडी जब उन्होंने दी तो हमने कम से कम 10-10 का बार वो कंटिन्यूसली सुना. इतनी बढ़िया है, मैं उनको बहुत बहुत कवरेज लेट करता हूँ, इतना अच्छा काम उन्होंने किया है. धन्यवाद. You see, the brain behind this movie was not mine, but of our director, Mr. Lake Tandon. और वो पहले पार्टीशन के पहले शेखुपुरा पाकिस्तान में रहते थे और जो इस फिल्म की कहानी है वो घटना उन्होंने अपने आँखों से होती देखी है अपने नेबरहुड में. तो एट दैट टाइम उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि कभी इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, ये बड़ी अनजस्टिफाइड चीज़.
फिर वो इंडिया आए जब यहाँ पे उनके परम मित्र थे लेट पंडित रेवती शरण शर्मा, उन्होंने इसको एक नॉवेल का रूप दे दिया. बट इट वॉज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माइंड ऑफ लेख जी टू फिल्म दिस सब्जेक्ट. वो इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, प्रोफेसर आम्रपाली, झुग्गिया आत्मान, अगर तुम न होते, दुल्हन वही जो पियामन भाई, एक बार फिर प्रिंस वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी कमाल फिल्में बनाई. और ये इच्छा उनके मन में रह गई. उसके बाद उन्होंने 25 टेलीविज़न सीरियल, 15 फिल्में, ये सब, इतना बड़ा करियर. और एंड में उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भाई, ये सब्जेक्ट रह गया है. और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि अब सीरियल मत बनाना, जब आना तो एक फिल्म बना के आना. और ये फिल्म बन गई और शूटिंग ख़त्म हो गई. अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे. तो ये था, इस वजह से ही बनी थी. ये असली कारण है इस फिल्म के बनने का. रिसर्च कितना, बिकॉज एक्चुअली बहुत से लोग, बहुत से मुस्लिम महिला इस चीज़ को, बिकॉज एक रिलीजियस सेंटीमेंट्स है, तो कुछ चीज़ पर मानते हैं कि नहीं, दिस इज राइट, देर शुड बी नो इंटरफेरेंस एक्चुअली. हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है. जो हाँ वही हमारी फिल्म का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी हैव टू डू अवे विद व्हाटएवर इज गोइंग ऑन. और जो नूरजान जी ने बताया है कि एक फ़ोन आया, मौलवी कहता है कि तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें 3 तलाक दे दिए हैं और कोई रिश्ता नहीं रहा. दूसरी को आया बेचारी को, एंड शी मिसकैरिड. अब इससे ज़्यादा कैसे समझ सकता है या कैसे समझाए आदमी उनको कि ये गलत, जो ये प्रेवलेंट है रूल, ये गलत है. आपको सामने नहीं पता लगता ये गलत है? जी फरमाए. कोई लोग प्रैक्टिस कर रहे, दैट डजंट रियली मीन कि व्हाट इज प्रैक्टिसिंग इज राइट और रॉन्ग. हां, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इफ द पर्सन हैज टू अंडरस्टैंड, मेरी जान, वही मैं बोल रहा हूँ कि डिसेंट वॉइस को हमेशा सुनना चाहिए. आज तक जो भी तरक्की हुई है या जो भी सही हुआ है, वो डिसेंट वॉइस को सुनकर हुआ है. डिसेंट वॉइस को दबाकर नहीं हुआ. देखिए, इसका कोई रिलीजियस कोनोटेशन है ही नहीं. और ये फिल्म में बहुत क्लियर तरीके से दिखाया गया है. कुरान शरीफ में सूरह बकर है. कुरान शरीफ में 3 तलाक का जिक्र नहीं है. सूरह बकर में जैसा इनका डायलॉग था जीविदा का फिल्म में, ये कहा गया है कि अगर इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस आ जाएं तो इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए बाय म्यूचुअल कंसेंट. उसका जो अरेबिक है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी समझ में शायद नहीं है. मुझे थोड़ा बहुत है नॉलेज, नॉट मैं कंप्लीट कंप्लीट पीपल हु प्रैक्टिस फ्रॉम इस्लामिक. आई एम कमिंग टू योर पॉइंट व्हिच इज वेरी वैलिड इंडीड. देन द शरीयत वाज मेड आफ्टर कुरान शरीफ. शरीयत बनी. शरीयत में भी 3 तलाक नहीं है, उसमें 2 तलाक है. उसका एक पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि भाई 3 महीने आप, पहला तलाक देने के बाद 3 महीने आप मौका दीजिए, और सुलह सफाई करवाई नहीं होता है तो फिर 3 महीने और दीजिए. जब ये इस्टेब्लिश हो जाए और बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों मियां बीबी की रजामंदी से, तब तलाक प्रोनाउंस किया जाए. तो उसका यहाँ पर हैं सलीम भाई, उनको लफ्ज भी याद हैं कि 2 ही तलाक होते हैं. तलाक रजई कहते हैं. पहली तलाक जो होती है उसको तलाक रजई कहते हैं. आपस में कहा जाए, शौहर अपनी बीवी से कहे कि भाई मुझे आपकी ये गलतियां हैं, ये गलतियां आप सुधार लो. उसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो बातचीत बंद कर दे. बातचीत बंद करने के बाद भी अगर नहीं मानती है तो बिस्तर अलग अलग कर ले. उसके बाद चौथी शर्त ये है कि दोनों तरफ के लोग उसको समझाएं, कि लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, कि भाई ये गलत बात है, तलाक देना गलत बात है, आप दोनों एक दूसरे को समझो. ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है. लेकिन प्रोसीजर पर कोई चल नहीं रहा है. नहीं, उसकी वजह यह है कि देखिए, भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस क्राइस्ट ने, किसी ने भी कोई अपॉइंटमेंट लेटर किसी को नहीं दिया है कि आप सेल्फ अपॉइंटेड एजेंट ऑफ गॉड हैं. आपने अपने आप को तकसीम कर दिया कि साहब हम फला फला हैं, और आपने फतवे जारी करना शुरू कर दिया, जो सरासर गलत है. और यही डॉक्टर नूरजहां कह रही थी. और उसके बाद बनाया इंसानों का. उसके बाद दूसरी तलाक के बाद औरत दूसरी शादी कर सकती है, उसको तीसरे तलाक की जरूरत नहीं है. दूसरी तलाक के बाद, और अगर कुछ सालों के बाद पहला शौहर उसे वापस लेना चाहता है तो ले सकता है. 3 तलाक नहीं हुई जी, ये है उसका जो रियल. बट वी हैव कैरेक्टर के बारे में, लेट मी आल्सो क्लेरिफाई वन मोर थिंग बिफोर कंवर जी साहब सेज, कि ये चीज पिक्चर में दिखाई गई. दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ द नैरेटिव ऑफ द फिल्म.
लोगों को देखने। जी सर, आपके कुछ किरदार के बारे में बताना चाहोगे, किस तरह का किरदार है, व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट्स योर कैरेक्टर? आई एम वन ऑफ द पॉजिटिव रोल्स दैट आई एम डूइंग। और ये लड़की जो सताई हुई है बेचारी बिकॉज ऑफ तीन तलाक, उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद क्या होता है मैं नहीं बताना चाहूँगा, बिकॉज वो फिल्म जाके देखें लोग, है ना, तो वो फिर उसी मोड़ पे जो है उसका भी एक वो है राज, या कहिए कि वहाँ कहानी कैसे पहुँचती है उसी मोड़ पर, तो वो भी लोग वहाँ पे जाके देखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक नूरजहान जी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं ख़ास तौर से ये पढ़ना चाह रहा हूँ एक नज़्म जिसका उन्वान है औरत, और ये नूरजहान जी के लिए, आपकी सब महिलाओं के लिए, कैफी साहब की नज़्म, कैफी साहब की नज़्म है, और इसका नाम है औरत। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत, खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, अश्क फिशानी नहीं तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान। मेरे सजा दी जाती है कि शी इज़ अ वूमन, तो मैंने जब भी किरदार निभाया था और हम लोगों ने जिस तरीके से इस पर बात की थी, हम लोगों ने लेख जी के साथ बैठे थे, हम सब ने सब काम स्टार्ट किया था, तो उसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि हम लोग क्या है आज के ज़माने में, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग अपने हिसाब से हम काम करते हैं, हम अर्न करते हैं, वे इंडिपेंडेंट, वी नो हाउ टू यू नो कैसे रहना है, बट एक उसी समाज में जहाँ हम रहते हैं, जैसे हम जैसी औरतें हैं, उसी समाज में एक ऐसी भी औरतें हैं, एक ऐसा भी ग्रुप है, एक ऐसी भी लेडीज़ हैं जहाँ पे उनको ये हक नहीं दिया जाता, ये उनको जीने का हक नहीं दिया जाता है, उनके उनके ऊपर इतना सब कुछ किया जाता है। इट वॉज अ जेन्यून, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, क्योंकि हमने ऐसा कभी हमारी परवरिश हुई नहीं, हमारी परवरिश हमारे माँ बाप ने हमें बहुत इंडिपेंडेंट रखा है, बहुत खुली सोच कर रखा है, बट बिकॉज ऑफ लेख जी और हम सबकी मेहनत, हमारे सबने हमने जो काम किया फिल्म में, हम लोगों ने बातें की, हम लोगों ने वीडियोज़ देखे, हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ी, जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो कितना एक फ़ोन पे एक तलाक दे देते हैं, फ़ोन पे आपको डिवोर्स मिल जाता है, ईमेल से आपको डिवोर्स आ जाता है, मतलब आज के ज़माने में हम मिलेनियल किड्स और मिलेनियम में हम जी रहे हैं, वहाँ पे ये सब होना आई डोंट थिंक सो, इट्स जेन्युइनली हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। बाकी जो जितने भी हमारी 22 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जब वहाँ पे कोई लॉ नहीं है, जब वहाँ पे वाई इंडिया, हमारा इंडिया शुरू से हमारा, बिकॉज हमारा हिंदुस्तान ऐसा रहा है कि वहाँ पे सब धर्मों को एक ही जगह दी गई है, हर इंसान को उतनी इज्जत मिली, तो वह यहाँ पे क्यों? सो दिस इज़ मे बी वी आर फाइटिंग फॉर दिस, बिकॉज मतलब वी आर ट्राइंग टू शो अपनी फिल्म के थ्रू कि प्लीज़ जस्ट गेट अप, रेज योर वॉइस, वीमेन रेज योर वॉइस, और नूरजहान जी के ग्रुप्स के लिए बहुत बड़ी यू नो आप लोगों के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आप लोगों के लिए, बिकॉज ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब करें, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि मैंने एक ऐसी फिल्म करी है जहाँ पे मैंने कोशिश करी है बींग अ वूमन, बींग कि मैंने कोशिश करी है कि मैं एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूँ कि प्लीज स्टॉप इट। जब इस तरह की कहानी तीन तलाक, जब इस तरह की स्टोरी सुनने को मिलती है तो ही बड़ा अजीब फील होता है कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब आपको इस स्टोरी की तरह आपको इस किरदार को ही जीना था, उस किरदार को निभाना था, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे कि भाई हम बहुत ही इंडिपेंडेंट समाज में रहे हुए हैं, हम लोग हैं, हमारे परवरिश वैसी हुई है, हम लोग शुरू से वर्किंग लेडीज़ रहे हैं, हम लोग काम करते हैं, चैलेंजिंग था, बट डेफिनेटली उसकी बहुत बहुत उसकी हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए उसके लिए, काफ़ी कुछ देखा है, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है उसके बारे में, काफ़ी कोशिश करी है इस्लाम के बारे में पढ़ने की, और काफ़ी कोशिश करी कि लॉज क्या होते हैं, क्यों ये लॉज बनाए गए हैं, और मैंने अपना आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप सबकी उस पर खड़ा उतरूँ, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, बाकी लेट्स सी। तो 8 मार्च को फिल्म रिलीज़ हो रही है, अगर दर्शक फिल्म देखने जा रहे हैं तो किस माइंड से जाएंगे, क्योंकि फिल्म जब देखने जाते हैं इंटरटेन को लेकर, लेकिन एक साइड एक मैसेज फिल्म है, तो इस फिल्म को देखने अगर
ऑडियंस जाती है तो क्यों? देखिए हमारा बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी रेलिवेंट टाइम जिस पे हम लोग ये फिल्म रिलीज करने कर रहे हैं और थैंक्स टू प्रोड्यूसर्स क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा दिन लिया है विमेंस डे का. सो इट्स लाइक विमेंस डे 8th of March एंड पूरे यू नो वर्ल्ड में इंटरनेशनली बनाया जाता है दिस वुमेंस डे. एंड तो मैं यही चाहूँगी सबसे कि प्लीज़ आप थिएटर्स में जाके इस फिल्म को देखिए. इसको फिल्म को जस्ट एक इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ सोशल कॉज. डेफिनेटली एक सोशल कॉज को हमने दिखाने की कोशिश करी है और वुमेंस डे है तो प्लीज़ हमारी सारी वुमेन को है आप ज़रूर देखे जाइए. मैन अपने आप आ जाएंगे, आप जाओगे डिफरेंट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग. इमोशनल इम्पैक्ट था ने कहा था, ड्रामेटिक इम्पैक्ट है पेरुथी मॉल. यस द अप्रोच इज डिफरेंट, द अप्रोच इज डिफरेंट. फिल्म दिल आशिकाना के बाद, फिल्म दिल आशिकाना के बाद आप एकदम गायब सी हो गई थी और लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन है कि आप उस फिल्म के बाद से क्यों नजर नहीं आई थी, तो क्या वजह थी उसकी और आगे और भी फिल्में होंगी कि इस फिल्म के बाद फिर आप अपने फैन से दूर हो जाएंगे? नहीं नहीं मैं गायब नहीं हुई है. किसने बोला आपको मैं गायब हुई थी? मेरा सोशल मीडिया देखिए, मेरा बाकी फिल्म देखिए, मुझे गूगल कीजिए, मैं कोई गायब नहीं हुई. आई वॉज वेरी मच इन टू द इंडस्ट्री. आई हैव डन सम साउथ फिल्म, आई हैव डन वेरी गुड पंजाबी फिल्म. मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी फिल्म मेरी लैंग्वेज है. एंड मैंने बहुत टीवी कमर्शियल्स किए हैं, मैंने बहुत कुछ मैंने टीवी शोज किए हैं, काफ़ी काम किया है. बस हाँ डेफिनेटली हिंदी में आई एम डूइंग दिस बिकॉज मुझे एक ऐसा कॉन्टेंट मिला जहाँ पे मैं मुझे ऐसा लगा कि येस आई कैन डू समथिंग अबाउट इट. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे लीग्स के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे उनकी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला. आई थिंक जब तक लीग जी इज़ ऑलवेज इज अ लेजेंड, उनकी फिल्मों का जब जब नाम लिया जाएगा फिर उसी मोड पे लिया जाएगा. आई एम पार्ट ऑफ इट. सो आई एम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिनेमेटिक व्यू पॉइंट कि जब लाइट्स चली जाती है थिएटर में, बहुत बड़े डायरेक्टर चेता नाना साहब ने मुझसे कहा था, तो 2.5 घंटे के लिए डायरेक्टर अकेला होता है अपनी ऑडियंस के साथ. अगर एक दिलचस्प कहानी सुना लेता है तो पिक्चर चलती है और लोग बार बार देखते हैं, नहीं सुना पाता तो जीरो हो जाती है. जी की जब भी बात की थी मोदी साहब ने बात की थी 3 तलाक बैन करने की, जी सारी मुस्लिम महिलाएं आगे थे बदन में, जी अब फिर आप बात कर रहे हैं 3 तलाक की, जी कहीं कॉन्ट्रोवर्सी ना हो जाए, कहीं कॉन्ट्रोवर्सी ना हो जाए. देखिए कॉन्ट्रोवर्सी की बात नहीं है, नहीं एक ये देखिए ये हम लोग एक फ्री मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेसी है. अगर कोई इसका अलग नज़रिया रखता है तो उसका नज़रिया सामने लाने की उसको इजाज़त है. सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है. पॉजिटिव नोट पे फिल्म खत्म होती है, हमने कोई कंट्रोवर्सी कोशिश नहीं की इसमें, लेकिन हमने सच्चाई दिखाई है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. वी हैव टोल्ड व्हाट इज द फैक्ट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. ना ये फिल्म इस्लाम के खिलाफ है, ना बीजेपी के खिलाफ है, ना बीजेपी को फेवर करती है, कुछ खिलाफ है. 3 तलाक के पक्ष में नहीं, 3 तलाक क्या है वो एक्चुअल में किसी को नहीं पता है. नहीं ये देखिए एक 3 तलाक एक चीज क्लियर, हमारी फिल्म में वी आर अगेंस्ट 3 तलाक. हमने बहुत स्ट्रांग वर्ड में कहा है फिल्म में कि ये प्रैक्टिस गलत है और इसको बंद कर देना चाहिए. वी हैव एडवोकेटेड एंड एस्पाउज बिकॉज ऑफ स्टॉपेज ऑफ 3 तलाक. सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आई एम नॉट द डायरेक्टर. मेरे गुरु, मेरे फादरली फिगर स्वर्गीय लेख टंडन जी इस फिल्म के डायरेक्टर थे, लेखक थे, मैं उनका चेला हूं. उन्होंने जो कहा मैंने वो किया. दूसरी बात, अब आपने कहा कि बच्चन साहब की फिल्म के सामने हम हैं, देखिए ये फिल्म भी फिल्म है, वो फिल्म भी फिल्म है. अब डिसीजन ऑडियंस को करना है विच इज बेटर. बच्चन जी में वो अलग और दूसरी बात, और दूसरी ये मैं इसमें ऐड कर दूं, अभी एक भाई साहब ने कहा था कि तलाक बुराई है या चोरी, इट्स ए सोशल इविल और ये बंद होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए. वुमेंस को फ्रीडम का पूरा हक है, ये संविधान देता है और इसको ख़त्म हो ही जाना चाहिए. देखिए कितने थिएटर में रिलीज हो रहे हैं जरा उसके बारे में? करीब 200 थिएटर में रिलीज हो रहे हैं इनिशियली, बाद में थिएटर बढ़ाए जाएंगे. जो लीड थिएटर बम्बई में वो मराठा मंदिर है जहाँ किसी ज़माने में हमारी पसंदीदा फिल्म मुगले आज़म लगी थी तब. और एक बात आपको मैं और बता दूं कि बच्चन जी हमारे पारिवारिक मित्र हैं और उनकी बदला हमसे बदला नहीं लेंगे.
इधर कैमरा शूट करो ए भाई, अरे नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ ए भाई, जस्ट वेट वेट वेट, बाकी पहले केक कटिंग कर लेते हैं, केक काटने के बाद लोग बोलिए वुमेन्स पावर और वुमेन्स डे जी, आप भी थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे, थोड़ा नहीं, ये कोको जी पीछे खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि भाई लेबरी करते तो लोगन दे देना, मैं ये कहता हूँ ये नल जो है आज से 10 साल बाद सोना है। हैप्पी बर्थडे। इट्स अ फैंटास्टिक सोशल मैसेज, समाज को एक जागरूक करने का तरीका है। आज हम और आप सभी इस मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं कि भाई आज तलाक 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 इट मैटर्स ऑल हो गए, पर इसमें इस खूबसूरती से इसमें इसको इस चीज़ को दिखाया गया है कि भाई इतना आसान नहीं है कोई चीज़ बोलना या सोचना। एक गलत सोच के साथ हम जी रहे हैं, उसको यहाँ पे क्लियर किया गया है कि भाई ये चीज़ जो सोची जा रही है या कैनवासिंग की जा रही है बिल्कुल गलत है। आप इस चीज़ को दिमाग में रखें और इसको इतना आसान नहीं समझें जितना आसान आज बोलने में दिखाया जाता है। क्या लगता है आपको, ट्रेनर जी इस कारवा को आगे लेके जाना चाहिए या स्टॉप करना चाहिए? ये कारवा तब तक चलता रहना चाहिए जब तक कि कारवा मंदिर तक पहुँच जाए, सोल्यूशन कारवे चलते मंदिर पहुँचने के लिए। 100% इनकी बात से पूरा सहमत हूँ कि ये कारवा ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता है जब तक इसका कोई निदान ना निकले, तब तक ये चीज़ बिल्कुल अपने चलती रहेगी, चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल चलती रहनी चाहिए।